Hello guys, welcome to the Current Affairs News at a Glance, November, Module 1, which will be useful for CLAT 2020 examinations. So let's start our work for the day. First, days that were in news, 5th November, World Tsunami Awareness Day. So United Nations in 2015 marked 5th November as World Tsunami Day with the target to promote Sendai's 7 convention campaign that focuses on reducing disaster damage to critical infrastructure and the disruption of basic services that is caused due to tsunami waves. Okay. So basically, after 3 weeks of deadly December 2004 Indian Ocean tsunami, the international community came together in Kobe, Japan and adopted a 10-year Hugo framework for action. It was the first ever comprehensive global agreement on disaster risk reduction. ठीक है? तो ये basically date जो है वो choose की गई थी in the honor of Japanese farmer. ठीक है? उनके ऊपर पूरी एक story है which is popularly known as Imaruo no Hi, meaning burning of the rice shells. So basically 1855 में farmer ने देखा कि टाइड जो है वो रिसीड हो रही है, मतलब शोर्स के ऊपर से पानी रिसीड हो रहा है, तो ये एक साइन होती है सुनामी की. सो उसने अपनी पूरी हार्वेस्ट जो थी उसमें आग लगा दी ताकि विलेजर्स को वो वार्न कर सके आने वाले डिजास्टर के बारे में. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन, इसका पूरा सिग्निफिकेंस क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉल्स ऑन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बॉडी टू ऑब्जर्व दिस डे सो अवेयरनेस उससे बढ़े और उससे जो रिस्क रिडक्शन हो वो एज फार एज पॉसिबल वो ले जा सके. ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2030 अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर टू बी एक्सपोज टू सॉम्स सुनामीज एंड फ्लडिंग. ठीक है, तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके अंदर भी गवर्नमेंट काम करे और लोगों को वो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ में आए, उसके लिए पूरा वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, सेकंड पर्सन इन न्यूज लीलाधर जगोरी एंड सुमत कठापली. ठीक है, सो सबसे पहले लीलाधर जगोरी वॉज कन्फर्म्ड विद 2018 व्यास सम्मान. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि किस पोएट्री की वजह से उनको मिला. तो द पोएट्री नेम वॉज जितने लोग उतना प्रेम. ठीक है, गोविंद मिश्रा जी ने उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था. ठीक है, लीलाधर जगोरी इज अ जर्नलिस्ट एंड पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर और उसके साथ साथ टीचर भी हैं. उनके कुछ फेमस बुक्स हैं नाटक जारी हैं, शंखामुखी शिखरों पर और अनुभव के आकाश में चांद. ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है. ठीक है, सो व्यास सम्मान अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं. इट वॉज इनिशिएटेड इन 1991 बाई के बिरला फाउंडेशन. 4 लाख का प्राइज मनी है और एक साइटेशन उसके साथ दिया जाता है. कमिंग टू सुमत कठपलिया, ठीक है, ही विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया इंडसइंड बैंक. ये पहले भी इंडिया इंडसइंड बैंक में कंज्यूमर लोन्स के हेड रह चुके थे एंड नाउ ही इज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ. ठीक है, ही सर्विंग इंडस इंडिया बैंक सिंस 2008. ओके, कमिंग टू द अवार्ड्स, सबसे पहले 2019 लॉरियट्स ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स. सबसे पहले है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंड ही हैज ऑल्सो वॉन द नोबल पीस प्राइज अवार्ड ऑफ 2014. रॉबर्ट बिलहेमर, ठीक है, यूएसए, for using his skills as a filmmaker to raise awareness about modern forms of slavery. Junior Zita Swami, theek hai, for leading an international campaign throughout UN against the use of child soldier in war. Ajit Singh, for his efforts in creating the first red light area in India which is free of commercial sexual exploitation of children. Alexandra Russell for helping neglected and ignored young boys in red light districts of Thailand and he is also the founder of Urban Light Organization. Haseena Karbib
for rescuing and empowering 72,000 vulnerable victims from the fate of human trafficking, and she is the founder of Impulse Empower. Okay, next is Rob Williams. He was recognized for his work in persistently protecting and supporting children in armed conflict in some part of the world's most hostile region, and he is the CEO of War Child UK. Preeti Patkar for his holistic approach in trying to abolish intergenerational prostitution. She is an activist and social worker from India. Yahan par she aayega for her. Okay. Prerna. It is an organization, as the name suggests, for their holistic approach in attempts to abolish international prostitution and protecting child vulnerable to commercial sexual exploitation and trafficking. Next is Doctor Against Forced Organ Harvesting for raising awareness for decades in medical community and civil society about unethical organ harvesting, especially in China. Next organization is Free a Girl, which basically train sex workers to become future advocates, and they are dedicated to free young girls from forced prostitution as well as prosecutes the offenders. Jivika, Jita Vimukti Kendra for freeing 30,000 bounded laborers and its commitment to total eradication of practice in Karnataka. So, ye important organization hai. Office of Rescue of Yazidis, theek hai? For working in one of the world's most hostile regions to rescue vulnerable Yazidi women. ठीक है? Basically, award के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है Mother Teresa Award. It is dedicated to the saint of Kolkata and it is given to number of people from India and abroad. 3 November को इस साल ये awards दिए गए थे सारे ऐसे कामों के लिए which are exemplary and humanitarian works done by social activists for basically eradicating modern forms of slavery. Currently, it is in its 15th year. Okay, and the theme of 2019 is combating contemporary forms of slavery. Okay, Madhuri Vijay conferred JCB Prize for Literature 2019 for her debut, The Far Field. Okay. JCB Prize for Literature is the richest literary honor in the country, established in 2018 and carries a prize of 25 lakh Indian rupees, which recognizes work of fiction by an Indian writer in English or translated fiction by any Indian writer. ठीक है? The director is Rana Das Gupta. Syrian government and opposition delegates meets to draft a new constitution. So basically, the president al-Bashir ke against jo pura opposition khada hua tha, and USA and Russia were in horlocks. This is the final climax stages of that tussle, you can say. ठीक है? So, dono mile the opposition and the Syrian government. Kahan par? Geneva, Switzerland mein, to draft the new constitution and chart a political settlement to end the decade-long civil war. The meeting in Geneva is being overseen by UN Special Envoy. Koi bhi deadline set nahi ki gayi hai kahan tak constitution ban jana chahiye. Theek hai? Reforming Syrian constitution is the first step towards the beginning of political process that will lead to UN supervised election under UN resolution number 2254. Theek hai? These are the important facts. National Health Profile 2019 was released by Union Health Minister, ठीक है? On October 30, 2019, Central Bureau of Health Intelligence prepared this report, ठीक है? National Health Profile is prepared by Central Bureau of Health Intelligence. पहली बार ये publish हुई थी 2005 में, ठीक है? Basically, it helps in understanding the needs and issues of the population, strengths क्या है, weaknesses क्या है, and three major indications जो ये report हाईलाइट करती है उसमें से सबसे पहला है सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग एमिनिटीज सेकंड इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड द थर्ड इज हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर बेसिकली प्रिवेलेंस कितना है कॉम्युनिकेबल और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज का ठीक है सोसाइटी के अंदर सो अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट पे आते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज फ्रॉम 49.7 जो 1970-75 में थी टू 68.7 विच इज फ्रॉम 2012-2016 फीमेल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 70.2 इयर्स एंड मेल इज 67.4 इयर्स ठीक है
आउट ऑफ द 6.51 करोड़ पीपल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के क्लिनिक में गए थे, 4.5% डायबिटीज से, 6.19% हाइपरटेंशन, 0.3 विद डायग्नोज विद कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है विथ 11,320 पीपल पर स्क्वायर फीट एंड अरुणाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विथ 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 33 टू पर 1,000 लाइव बर्थ्स इन 2016 टू 37 एंड 23 इन अर्बन 2019. ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2016 वॉज 1.8 एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 2.3 इन रूरल एंड 2.5 इन अर्बन. डेंगू एंड चिकनगुनिया आर टू मेजर कंसर्न्स फॉर पब्लिक हेल्थ एंड 2017 रजिस्टर्ड अ बर्थ रेट ऑफ 20.20 पर 1,000 ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट रेट वॉज 63 एंड नेचुरल ग्रोथ रेट वॉज 13.9. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इश्यू, जॉबलेसनेस राइजेस टू 3-year हाई. ठीक है, तो ये डेटा रिलीज कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रोज टू 8.5%, हाईएस्ट लेवल सिंस ऑगस्ट 2016. अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अक्टूबर 2019 इज 8.9 एंड 8.3 रिस्पेक्टिवली. त्रिपुरा एंड हरियाणा सॉ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ मोर देन 20% और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम थी तमिलनाडु में एट 1.1%. ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी इंडिकेटर्स आए थे शोइंग अ डाउनटर्न इन इकोनॉमी, जिसमें एक था कि कोर सेक्टर का जो आउटपुट था सितंबर में वो वर्स्ट था पिछले 14 सालों में. ठीक है, अगस्त इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रैंक एट इट्स फास्टेस्ट रेट इन मोर देन 6 years. कमिंग टू द नेक्स्ट इश्यू, ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा और 2019 का जो टाइटल था वो था ग्लोबल माइक्रोस्कोप द अनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. द रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क इंडेक्स दिस असेसेस अनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर फाइनेंशियल एक्सेस. ठीक है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट कौन से कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है उसके ऊपर है. 2019 वॉज द 12th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट. इंडिया, मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू एंड उरुग्वे नाउ हैव द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें कोलंबिया फर्स्ट रैंक पे प्लेस है, फॉलोड बाय पेरू, उरुग्वे, मेक्सिको और उसके बाद इंडिया एट 5th. ठीक है, इंडिया holds a promising environment for financial inclusion in terms of effective financial consumer allowing non-banks to issue e-money and proportionate customer due diligence. ठीक है, सिर्फ चार कंट्री थी इंडिया, कोलंबिया, जमैका एंड उरुग्वे which scored perfectly across all parameters. ठीक है, टॉप कंट्रीज दैट सेफगार्डेड ई मनी वाया सम सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन आर इंडिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मेक्सिको, उरुग्वे. सो काफी सारे पैरामीटर्स जो ये रिपोर्ट में रिलीज हुए हैं उसमें इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप नेशंस ऑफ द ग्लोब. ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत EIU के बारे में. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई EIU, हम ऑलरेडी देख लिया है, रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2007. EIU की बात करें तो वो क्रिएट किया गया था 1946 में और उसने जो रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया दैट इज इन 2007, बट EIU वॉज क्रिएटेड इन 1946. ठीक है, एंड इज द वर्ल्ड लीडर इन बिजनेस इंटेलिजेंस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू, ट्रायल रन फॉर फास्टैग फैसिलिटीज बिगिन एट टोल प्लाजा हेजमडी. ठीक है, उडीपी डिस्ट्रिक्ट में यह है विलेज जहां पर फास्टैग की इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 12 लेन बेस्ड ऑन फास्ट टैग फैसिलिटी. बेसिकली ये क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, तो आपको ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा कैश ट्रांजैक्शन के लिए. सो ये जो पूरी टोल के ऊपर एक कंजेशन डेवलप होता है उसे टैकल करने के लिए किया गया है एंड इट विल बी सून इंप्लीमेंटेड अमॉन्ग अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल. ठीक है, सो फास्टैग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं. फास्टैग इज इजी टू यूज रिलोडेबल डिवाइस दैट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन टोल के चार्जेस जो भी हैं वो कर लेता है और व्हीकल को पास होने देता है, क्रिएटिंग अ फास्टर एनवायरमेंट फॉर ट्रांजिट. ओके, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन
inland water transit trade, PIWTT. It will benefit mutually both to India and Bangladesh for the use of waterways for the purpose of trade. ठीक है, two stretches of Bangladesh waterways, जिसमें पहला है सिराजगंज से दईकावा and the second one is अशुगंज से जाकीगंज. ठीक है, वो ये develop किया जा रहा है IBP route के ऊपर. Total cost है 305 करोड़ रुपीज, जिसमें 80% cost bear करेगा इंडिया. क्यों इंडिया bear कर रहा है? Because इंडिया को चाहिए seamless connectivity from its mainland to north east. सिलीगुड़ी corridor एक छोटा सा रास्ता है जो वॉर टाइम में शायद यूज ना हो पाए, इसीलिए दूसरे ऑल्टरनेटिव रूट के लिए वी आर बेयरिंग 80% ऑफ दिस टोटल कॉस्ट. ठीक है, अ लैंडमार्क कंटेनर कार्गो कंसाइनमेंट विल सेल इन इनलैंड वाटर फ्रॉम हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता टू द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टर्मिनल एट पांडू गुवाहाटी. ठीक है, 4th नवंबर 2019 को ये बिगिन हुआ था. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाटरवे इज टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. कंटेनर क्या क्या कैरी करेंगे? एडिबल ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, बेवरेजेस एक्सेट्रा. ठीक है, वॉयज टोटली 12 से 15 दिन लेगी टू कवर द स्ट्रेच ऑफ 1425 किलोमीटर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश टेक्निकल एंड कमर्शियल वायबिलिटी फॉर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट. और उसके बाद ये इंटीग्रेट कर दिया जाएगा नेशनल वाटरवे 1 में, रिवर गंगा के ऊपर जो है, नेशनल वाटरवे 97 जो सुंदरबंस में है, नेशनल वाटरवे 2 ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, आईबीपी का फुल फॉर्म याद रखना, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट. ठीक है, ओडेक की रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया और उसका टाइटल था रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंट हैजार्ड्स इन द सिटी इन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, प्रेजेंटेड इज एशियन समिट 2019. इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो पैक किया गया है 2020 से 24 के लिए वो है 6.6%. ठीक है, सस्टेनिंग एफर्ट्स टेकन इन हेल्थ एंड बैंकिंग सेक्टर विल बी चैलेंज फॉर इंडिया. ये सबको पता है, हेल्थ सेक्टर में जो हम रिवॉल्यूशनाइज करने की ट्राई कर रहे जा रहे हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम, सबको इंश्योरेंस देके, हेल्थ प्रोटेक्शन देके टू द लोवेस्ट अर्निंग फैमिलीज ऑल्सो, तो दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया. इंडिया विल ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज इन ब्रिजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कहना है ये रिपोर्ट का. चाइना विल हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इट्स डिजिटल टैलेंट. अमोंग एशियन कंट्रीज, वियतनाम और एशियन कंट्रीज जो हैं, मुझे सारे एशियन कंट्रीज के नाम आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मुझे जानना है. ठीक है, मुझे पता नहीं है. एशियन कंट्रीज वियतनाम एंड फिलीपींस विल रिमेन एज द ग्रोथ लीडर्स. ओके, दूसरे पॉइंट से ये रिपोर्ट के जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन है वो सारे एशियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, ये सबको पता है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इश्यू, सी फ्लोस क्या है? कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम, इट इज अ कंप्लीट वेब GIS based decision support system that involves coupling models for regional weather forecasting, storm surge and captures 769 flood scenarios. ये mitigation के लिए भी use किया जा सकता है as well as managing flood related aspects also. ठीक है, so it is a dual use application. Next, what is Red Atlas Action Plan Map? It is the first of its kind ready reckoner map prepared by Union Ministry of Earth Sciences to aid particularly the state of Tamil Nadu in effectively flood mitigation. In Chennai, which was witnessed the worst deluge in 2014. ये Atlas aim की गई है flood mitigation के लिए, उसके preparedness के लिए, operations के लिए and other management aspects. ठीक है, The 200 pages atlas was prepared by IMD, Indian Meteorological Department, NCCR, National Center for Coastal Research, NCMRWF, National Center for Medium Range Weather Forecasting, in association with Tamil Nadu State Disaster Management Authority and Greater Chennai Corporation. Okay, the Office of Principal Scientific Advisor to the Center, IIT Bombay, IIT Madras और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर अपना पार्टिसिपेट किया था. ठीक है,
रेड एटलास एक्शन प्लान मैप अनवील्ड फॉर फ्लड मिटिगेशन इन चेन्नई सी फ्लोस के साथ इसको रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने एम वेंकटेश नायडू। ठीक है, इसरोज नेविक सेट टू बी कमर्शियलाइज बाय एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स विच इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो इज नाउ प्लानिंग टू यूज द नेविक सिस्टम जो हमने 3 साल के अंदर डेवलप किया है, अवर इंडिजिनियस जीपीएस बेस्ड सिस्टम, ठीक है, उसको कमर्शियलाइज करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, उन्होंने 2 टेंडर्स फ्लोट किए थे फॉर इंडस्ट्रीज दैट कैन डेवलप डेडिकेटेड नेविक बेस्ड हार्डवेयर एंड सिस्टम्स। ओके, नेविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये इंडियन सिस्टम है, 8 सेटेलाइट्स से बना हुआ ये पूरा सिस्टम एंड इट वर्क्स विद इन 1500 किलोमीटर रेडियस ओवर इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, न्यू पॉलिटिकल मैप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रिलीज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, द मैप वॉज क्रिएटेड बाय सर्वे जनरल ऑफ इंडिया एंड इन द न्यू मैप यूटी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल एंड ले। ठीक है, तो ये याद रखना, और बाकी का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट और था वो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो यूटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है। दोनों इज एडमिनिस्टर्ड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाय पाकिस्तान। ठीक है, द न्यूली क्रिएटेड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। वो पूरा एक ही दिन में सब कुछ पास हुआ था। आर्टिकल 370 एंड 35A वर डिसमेंटल्ड एंड गेव असेंट टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट कहां पर हो जाता है कि ये जो पूरा बाइफर्केशन हुआ था, इट इज द फर्स्ट टाइम अ स्टेट हैज बीन कन्वर्टेड टू यूटी। सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर 28 फ्रॉम 29 एंड द टोटल नंबर ऑफ यूटीज आर 9 फ्रॉम 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर। The UT of Jammu and Kashmir will have a legislator and the UT of Ladakh will not have a legislature. ठीक है, important points again. 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट थे, पूरे नाम दिए गए। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था और 14 से 28 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए थे और एज ऑफ नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेज ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीडिया कंक्लेव टू बी ऑर्गेनाइज बाई IISF, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, इट विल बी हेल्ड ऑन 6th and 7th November 2019 एट इंडिया IISF टू कोलकाता। ठीक है, चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती श्री ए सूर्य प्रकाश एंड डॉक्टर विजय पी भटकर प्रेसिडेंट ऑफ विज्ञान भारती विल इनॉग्रेट द कॉन्क्लेव। दोनों जेंटलमैन के नाम प्लीज याद रखेगा। ये पूरा जो फेस्ट है उसका एम है इंडिया और अब्रोड से सारे जो विजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेने, उनको एसिमिलेट करना और उसको डिसेमिलेट करना अमॉन्ग वेरियस पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट लॉन्चेस अतिथि ऐप फॉर इंप्रूव्ड कस्टम क्लियरेंसेस। दो बेसिकली ऐप इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, पहला है अतिथि एंड द सेकेंड इज आइस्ड एश। ठीक है, to facilitate electronic filing of custom baggages and currency declaration by arriving international passengers even before they board their planes. ठीक है, so पहले से ही declare कर देना है उनको ताकि clearance में उनको ज्यादा time ना लगे, custom clearance में, basically ease of doing business के तहत ये सब हुआ। ठीक है, and it is introduced by CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom. ओके, एंड्रॉइड iOS दोनों पे ये अवेलेबल है। अतिथि इज इजी टू यूज मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स टू फाइल कस्टम declarations इन एडवांस। ठीक है, और iced ash जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रख के बनाया गया है फॉर मॉनिटरिंग, इट्स बेसिकली मॉनिटरिंग डैशबोर्ड फॉर इंडियन कस्टम्स। ठीक है, इट विल हेल्प पब्लिक टू सी डेली कस्टम क्लियरेंसेज, टाइम ऑफ इंपोर्ट कार्गो एट वेरियस पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, so basically aditi is the app which will be used by travelers and iced ash is the app that will be used by cargos and custom clearances stuff. okay, IFFCO introduced india's first nanotechnology fertilizer. theek hai, IFFCO stands for indian farmer fertilizer cooperative limited, introduced is nanotechnology based product range on field trials on november 3rd 2019
It was launched at the function held in Kalol district of Gujarat, ठीक है, जहां पर ये पूरा प्लांट आया है, ठीक है. नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर, दिस थ्री वेरियंट्स वर लॉन्च्ड एट दिस इनॉग्रेशन एंड इट इज डेवलप्ड बाय IIFCO नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC, एज आई सेड सिचुएटेड एट कलोल यूनिट, ठीक है. सो इसका एम क्या है वो समझ लेते हैं. इट एम्स टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ, reduce emission of greenhouse gases, as we all know urea is a potent greenhouse gas effect ko ye promote karta hai, theek hai. It will ensure a 15-30% increase in crop production and reduce requirement of conventional chemical fertilizers by 50%. Yaad rakhna, sare fertilizers pe government subsidy bhi di jati hai, to government ka jo burden hai wo kafi had tak kam ho sakta hai, theek hai. It is in line with PM's vision of doubling farmers income by 2022. Okay, IIFCO ke bare mein thoda bahut dekh lete hain. Headquartered in New Delhi and was founded on 3rd November 1967 and it is India's largest fertilizer manufacturer. Theek hai, coming to the next topic, ECAPA 2019, first ever art exposition for talent with intellectual challenges. India's first ever arts exposition for talent with intellectual challenges, ठीक है, New Delhi में ये inaugurate हुआ था 14 November 2019 at Stir Gallery, Chhatarpur Farms, okay? ECAPA is a unique nationwide platform cum social venture for artists blessed with Down syndrome, autism, mental retardation, seizure disorder and dyslexia, ठीक है. यहाँ पर जो दिव्यांग आर्टिस्ट है वो अपने स्किल्स जो है, जैसे कि ड्राइंग है या पेंटिंग है या डांस है या म्यूजिक है या डूडल्स है, ये शोकेस कर सकते हैं और ये जो एक्सपोजिशन में सारे आएंगे द मास्टर्स, दे कैन अडॉप्ट और दे कैन कंसिडर देम एज ए प्रोडिजी. अगर उनका आर्ट पसंद आता है तो अपना प्रोडिजी भी बना सकते हैं, विच विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर दिस गाइज, ओके. Coming to the next issue, CARET 2019, US Bangladesh Naval Exercises. What does CARET stands for? Cooperation, Afloat, Readiness and Training. Biggest US and Bangladesh Navy Exercise, ठीक है, ये चट्टोग्राम में हो रही है और यू मे बेटर नो इट एज चिट्टगोंग, ठीक है, चिट्टगोंग आर्मरी रेड सूर्यात से, आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट. फ्रॉम 4 to 7 November 2019. It is a yearly exercise hai, which is conducted between navies of Bangladesh and United States in the Bay of Bengal. ठीक है, पहली एक बार ये exercise हुई थी 2011 में. Basically, जो दो navies के बीच में interportability का issue during war time ना आए, इसीलिए पूरे जो countries हैं दुनिया भर में वो एक दूसरे के साथ ये exercise करते रहते हैं, क्योंकि कल को उठ के war हो गया तो they won't be even able to communicate with each other. ठीक है, तो वो इश्यू अराइज ना हो उसके लिए बेसिकली ये सारी एक्सरसाइज होती है. सिक्स पार्लियामेंट स्पीकर समिट ऑफ G20 कंट्रीज, जापान होस्टेड दिस समिट, बेसिकली इसे P20 के नाम से भी जाना जाता है अनऑफिशियली, ठीक है, एंड इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU फ्रॉम 3rd to 5th November 2019 एट टोक्यो, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है जिनीवा में. Okay, the summit had separate themes pertaining to trade, technology and sustainable development. और ये जो तीनों तीन session है उसकी themes दी गई है. Third session was based on the theme of effort towards resolution of global challenges and achievement of SDGs. ठीक है, Asian Development Bank to give 451 million for Chennai Kanyakumari Industrial Corridor Power Links. ठीक है, तो 451 million dollars आउट ऑफ द टोटल 653.5 million dollars विल बी प्रोवाइडेड बाय ABD. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ABD इज हेडेड बाय विच कंट्री. ठीक है, टोटल कॉस्ट में जो ये कंट्रीब्यूट करेगा और जो डिफरेंस रहेगा ऑफ 202.5 million dollars, इट विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, बेसिकली CKIC कॉरिडोर के नाम से ये जानी जाती है, जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु को कनेक्ट करती है. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट 2019 में उनको बिल अमेंड करना पड़ा. कौन सा बिल? द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1997, जिसके बाद ये अमेंडमेंट के बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वर्थ 64.48 billion rupees came to reality. ठीक है, the first phase of CKIC project will connect these 5 nodules together
The focus will be on manufacturing. ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों बन जाता है? बिकॉज दिस प्रोजेक्ट कवर्स 23 आउट ऑफ द टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड अकाउंटिंग फॉर 64% ऑफ तमिलनाडु एरिया एंड 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. सो बेसिकली दे आर प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 70% ऑफ दिस पॉपुलेशन, इसलिए दिस प्रोजेक्ट हैज सच अ ह्यूज कॉस्ट एंड सच अ ह्यूज इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, ABD will allow more power to be transformed from new generation facilities in the south, जहां पर facilities ज्यादा है, generation facility है obviously, and north, जहां पर demand ज्यादा है. तो ये जो पैसे हैं वो connectivity के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे. ठीक है, construction of 400 kilowatt KV network to pool power generated at renewable and thermal power plants are included in this project. ठीक है, the estimated date of completion is 2024, wasteland atlas 2019. Narendra Singh Tomar, agriculture minister hamare, unhone 5th edition of wasteland atlas 2019 ko launch kiya tha, which is published by department of land resources and national remote sensing center. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन ऑन वेस्टलैंड्स ऑफ इंडिया, ताकि अगर गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम के बारे में सोचना हो तो ये पार्ट के ऊपर सबसे पहले फोकस जा सके. ठीक है, इट इंक्लूड्स द मैपिंग ऑफ अराउंड 12.08 मिलियन हेक्टेयर सो फार इन द अनमैप्ड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, इंडिया के पास सिर्फ वर्ल्ड के लैंड में से 2.4% है और इंडिया सपोर्ट करता है 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को. ओके, सो दिस फैक्ट्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग. बांग्लादेश एंथम नाउ इन संस्कृत. ऑन द 8th डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्टेट्स कल्चरल आइकॉन भूपेन हजारिका has given a Sanskrit, Bangladesh has given a Sanskrit makeover to its national anthem Amar Shonar Bangla, which was originally composed by Rabindranath Tagore in 1905. The melody of the hymn is taken from the song, ye jo Sanskrit mein compose kiya gaya uski jo melody hai wo li gayi hai, Ami Kothia Pabo Tare mein se, Dadra Tal ke andar ise bithaya gaya hai by Baul singer Gagan Harkaras. Theek hai, भूपेंद्र हजारी के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं हम. वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर, अ प्लेबैक सिंगर, अ लिरिसिस्ट, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर एंड अ पोएट फ्रॉम आसाम. ही वॉज फाउंडली नोन एज सुधाकंठा एंड ही रिसीव द संगीत नाट्य एकेडमी अवार्ड इन 1987, पद्मश्री अवार्ड इन 1977, पद्म भूषण इन 2001, द दादा साहेब पालके अवार्ड इन 1992 एंड पोस्ट्यूमसली मतलब आफ्टर हिज डेथ इन 2019 भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, ही डाइड ऑन 5th नवंबर 2011 एट द एज ऑफ 85. ओके, स्टूडेंट्स क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन. ठीक है, सो द फर्स्ट डे ऑफ IISF हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019, वहां पर चला था लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन विथ अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स एंड असेंबली ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप्स विथ पार्टिसिपेंट्स ऑफ ओवर 1,598 स्टूडेंट्स. ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ऑर्गेनाइज्ड दिस सेशन. अ मोमेंटो वॉज प्रेजेंटेड टू देम ऑन बिहाफ ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड दिस entire session was dedicated to Dr. C. V. Raman and Dr. Meghnad Shah. ठीक है, सो मुझे बताइए Dr. C. V. Raman ने ऐसा तो क्या किया था कि उनके ऑनर में इतना बड़ा सेशन और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सेलियन फीचर्स क्या थे वो डेडिकेटेड हमने देख लिया. IISF के बारे में जानते हैं हम. इट इज द लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. द थीम ऑफ 2019 फेस्टिवल वॉज रिजन इंडिया. ठीक है, रिजन स्टैंड्स फॉर रिसर्च इनोवेशन साइंस एम्पावरमेंट द नेशन. ठीक है, सेंटर एंड IBM टू लॉन्च स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म. आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इश्यू चल रहा है कि जॉब्स आर देयर बट द पर्संस आर नॉट स्किल्ड इनफ टू टेक दैट जॉब्स. वो जो गैप है स्किल एंड जॉब को फिल करने के लिए, दैट
is being filled by this kind of program. Center is constantly trying to do the same. Okay? The announcement was made by DGT, Directorate General of Training, which function under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay? Initiative bahut simple hai, to help the youth to scale themselves as per the changing market trends. Okay? 2-year advanced diploma in IT iske andar provide kiya ja raha hai. Cloud computing and networking will be provided at the National Skill Training Centers and Industrial Training Institutes, ITIs. ठीक है? Salient points इसके कुछ हैं कि IBM के साथ partner करने के बाद door code हो गया, Skillsoft हो गया और वगैरह softwares के अंदर उनको एक training दी जाएगी and student will receive recommendations on role-based education for specific jobs. ठीक है? Freedom on Net 2019 report, China is the worst abuser of internet freedom. ठीक है? So Freedom House, जो कि एक international watchdog है internet freedom के ऊपर, उसने release की थी अपनी report 2019 की, जिसका title था The Crisis of Social Media. बहुत important है, याद रखना. So according to the report, overall decline हो रहा है global internet के freedom के status के ऊपर between July 2018 and May 2019. इंडिया ने स्कोर किया है 55 पॉइंट्स, ठीक है, विच इज रिपोर्टेड एज पार्टली फ्री. ठीक है, चाइना हैज स्कोर्ड 10. तो आप जितना स्कोर कम करोगे ऑब्वियसली आपकी रेटिंग उतनी बुरी होगी. तो चाइना की रेटिंग 10 है एंड इट वाज एडजस्ट एज नॉट फ्री. इंडिया इज पार्शियली फ्री, रिमेंबर दैट. ठीक है, एंड China has been termed as the worst abuser of internet freedom for the fourth consecutive year. So from 2015, China ke paas ek round hai as the suppressor of internet. Abhi tak uske paas hi hai. Theek hai? Ek aur desh hai, Pakistan, which stood at the score of 26 and for the 9th consecutive year was declared as not free in terms of internet freedom status. Theek hai? 65 country ko assess kiya gaya tha, जिसमें से 33 ने इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर डिक्लाइन दिखाया है. ठीक है, इंप्रूवमेंट सिर्फ 16 कंट्रीज में देखा गया था और उसमें यूथोपिया में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया था इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. यूएस का स्कोर है 77. ओवरऑल ये फ्री है लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पे ये भी डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, कंट्रीज लाइक मलेशिया एंड अर्मेनिया शोड पॉजिटिव ट्रेंड्स. ठीक है, पहला कौन है चार्ट के ऊपर? आइसलैंड. ठीक है, विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 95, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. क्योंकि आप यहां पे जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपको जेल में डालने के लिए नहीं आएगा. ठीक है, बिहार स्टेट इज टू बैन ऑल स्टेट ओन्ड व्हीकल्स दैट आर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड. वेरी गुड डिसीजन ऑन देयर पार्ट. मेजरली क्यों लिया गया डिसीजन? टू कम्बैट एयर पॉल्यूशन. यहां पर बिहार आएगा. ठीक है, द बिहार कैबिनेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द प्रपोजल. ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट होगा पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में. ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट कमर्शियल व्हीकल्स और ये जो पूरे गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाने का एम है, तो गवर्नमेंट खुद नहीं जाएगी तो दूसरों को कैसे भेजेगी? तो जो पूरे जो 15 ईयर्स से पुराने व्हीकल उसको बेच दो और नए इलेक्ट्रिक या BS6 नॉर्म के व्हीकल को प्रोक्योर किया जाए. ये उसके पूछे पूरा आइडिया रहा है. ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बिहार विल नाउ बी द ओनली नॉन मेट्रो सिटी टू डू दिस थिंग. ठीक है, 2008 में कोलकाता ने किया था, 2015 में दिल्ली ने किया था. ठीक है, WCO World Custom Organization recognizes HS code for India's signature fabric. ठीक है, खादी basically. ठीक है, खादी को HS tag मिला गया है. ठीक है, by Ministry of Commerce and Industry. HS tag बनाया गया है World Custom Organization के द्वारा, जो which stands for Harmonized System. ठीक है, बेसिकली कस्टम ऑफिसर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स ये यूज किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट एंटर हो रहा है वो जेन्युइन है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े जो एक्सपोर्ट किया गया जा रहा है वो कंट्री के अंदर. इसलिए ये एचएस कोड होल्ड्स अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस. ठीक है, एचएस कोड फॉलोज द क्योटो कन्वेंशन प्रोटोकॉल ऑफ 1974. मोर देन 200 कंट्रीज यूज इट. ठीक है, द कोड एड्स कंट्री इन कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टेटिस्टिक्स एंड फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ कस्टम टैरिफ. ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत. इट वॉज फाउंडेड इन 1952 और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
विच इज हेडक्वार्टर्स इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। और ये एक तरीके से WTO की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। खादी जो टर्म है जिसको ये मिला है HS टैग, व्हाट इज खादी? फैब्रिक्स दैट आर हैंड स्पन एंड हैंड वूवन। इट इज गेन्ड इंपॉर्टेंस इन अवर फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया के अंदर इसका इंपॉर्टेंस तब बढ़ गया था। और इंडियन फ्लैग कोड के तहत, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, खादी इज द ओनली मटीरियल अलाउड टू बी यूज फॉर इंडियन फ्लैग। और अगर आपने इंडिया का झंडा लहराया और वो खादी से नहीं बनाए, यू कैन बी इम्प्रिजेंड एंड फाइंड अप टू 3 years, ठीक है। फाइंड वंस एंड इम्प्रिजेंड अप टू 3 years, ठीक है। आईकार रिपोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग, अभी दिल्ली में जो पूरा चल रहा है, दिल्ली इज बेसिकली सफोकेटिंग इटसेल्फ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इट्स क्रीम्स लेबोरेटरी बुलेटिन 4th नवंबर 2019 को जो पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया गया कि देर हैज बीन अ रिडक्शन ऑफ 12% इन इंसिडेंट ऑफ सटल बर्निंग एज कंपेयर टू 2018। रिडक्शन है फिर भी ये हालत है, ठीक है। एज ऑन अक्टूबर देर वर 31,402 बर्निंग इवेंट्स इन द 3 states ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो जो ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं वो कहां पर दिख रहा है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 48%, हरियाणा और पंजाब में इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल, कोई रिडक्शन नहीं। 11.7 एंड 8.7 कोई रिडक्शन नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो रेट से स्मॉग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइज्ड ऑफ इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इसको पूरा श्रेय देता है। सो दिल्ली की 2019 में एयर क्वालिटी इंडेक्स जाके गिर गई 999 लेवल पे, इसके ऊपर भी होती शायद, लेकिन इसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, इसलिए 99 लेवल इज द मैक्सिमम लिमिट, वहां तक पहुंच गई थी, ठीक है। सो बेसिकली द वर्स्ट एयर यू कैन एवर पॉसिबली इमेजिन टू ब्रीद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्म्स, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 100 के अंदर होनी चाहिए, दिल्ली की थी 999 द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। PM2.5 पार्टिकुलर मैटर 2.5 जिसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बेसिकली बिलो 50, वो था 80% से भी ज्यादा, ठीक है। तो इस स्टबल बर्निंग का जो पूरा स्मोक क्रिएट होता है दिल्ली के आसपास, वो नहीं होता। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग होते तो ये पूरे जो स्टबल बर्निंग का इंसिडेंट होते थे, पहले भी होते थे, ठीक है, कोई अभी की नई बात नहीं है, लेकिन जब वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो ये स्मोक को पूरी तरह से डिस्पर्स करने में सक्सेसफुल नहीं रहते। उसकी वजह से क्या होता है, पूरा एक फनलिंग इफेक्ट हो जाता है दिल्ली के आसपास, और स्मोक वहीं का वहीं घूमता रहता है और वहीं सेटल हो जाता है, ठीक है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज्योग्राफी इज कनेक्टेड टू द सबल बर्निंग और एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, ठीक है। कैसे कनेक्ट है ये हमने देख लिया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइजिंग राइजिंग हिमाचल ग्लोबल्स इन्वेस्टर्स मीट 2019, ठीक है। द मीट इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट धर्मशाला ऑन 7th and 8th November 2019। पीयूष गोयल साहब सेंटर की तरफ से इसे फेलिसिटेट करने जाएंगे, ठीक है। द मीट विल शोकेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिसीज इन 8 focus sector। तो कौन से 8 focus sector? एग्री बिजनेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिविलाइजेशन, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वेलनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड आयुष, IT एंड IT एनेबल सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पूरा जो राइजिंग हिमाचल समिट है इसे प्रमोट कर रहा है इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एजेंसी। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इट इज अ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एजेंसी। किसके तहत करता है? इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG के तहत ये करता है। ये यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू शोकेस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट एंड सेक्टर्स इन इंडिया ऑन अ सिंगल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली याद रखना है आपको, इन्वेस्ट इंडिया इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी विच इज वर्किंग अंडर इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। पूरे स्टेट्स और सेक्टर्स पूरे इंडिया में जो हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल देना, ताकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा यहां वहां भागना ना पड़े, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया इज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड हेल्प्स इन्वेस्टर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है।
ये जो दो दिन की 7th और 8th नवंबर को मीटिंग होने वाली है, देयर विल ऑल्सो बी अ सेशन ऑन ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इन्वेस्ट इंडिया एंड यूएई को भी ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। IIT मद्रास लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर अराइज, तो ये नाम याद रखना, व्हाट इज अराइज, इट इज इंडियाज फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर, ठीक है, लॉन्च्ड बाय IIT मद्रास। इट वाज डन इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवारचंद गिलोट, ठीक है। इट विल हेल्प डिफरेंटली एबल पर्सन रिक्वायरिंग अ व्हील चेयर टू शिफ्ट फ्रॉम सीटेड पोजिशन टू स्टैंडिंग पोजिशन एंड वाइसी वर्सा इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इट वॉज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई TTK सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट एट IIT मद्रास इन कोलेबरेशन विद फिनॉक्स मेडिकल सिस्टम। याद रखना IIT मद्रास एंड फिनॉक्स मेडिकल सिस्टम टू इम्पॉर्टेंट, और इसको सपोर्ट किया गया था UK जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज के द्वारा भी। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो एक वेलकम ट्रस्ट करके है जिसने काफी मदद की थी, ठीक है। ये दी जाएगी एक अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 15,000 rupees टू ऑल हु विश टू हैव इट, ठीक है, बिकॉज इट इज अ चैरिटेबल थिंग, इसमें प्रॉफिट का कोई ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। गंगा उत्सव वो सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू मार्क द 11th एनिवर्सरी ऑफ गंगा बीइंग डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर, ठीक है। ये सेलिब्रेट हुआ था 4th नवंबर 2019 में दिल्ली में एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, उसने ऑर्गेनाइज किया था, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। गंगा के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इट फ्लोज across 2,510 kilometers through valleys, plains and mountains. It was declared the national river on November 4, 2008. Okay? So, in today's session, this will be the material provided to you. And if you want to get this entire PDF, to abhi jaiye protalentdigital.com ke upar aur site ke sare materials aur resources ka aap use kar sakte hain, which is completely free for 10 days. Okay? So, this will be all from my side. See you in the next class. Thank you very much.